नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में अपनी बात रखी। आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने वाला हूं प्रधानमंत्री के इस भाषण पर, और साथ ही मैं उनका भाषण भी आपको सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री, आपने बगैर मुस्कुराए, बगैर किसी हिचकिचाहट के इतनी बड़ी बात कह दी, और आप अपनी सरकार, अपनी पार्टी को अपने गिरेवान में झांकने के लिए नहीं कह रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संदेश जो आपका है, ये जो भाषण है, वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पार्टी को, आपकी अपनी सरकार को आईना दिखा रहा है? आप देश की जनता को आपातकाल की याद दिला रहे थे, और आपने कहा कि उस वक्त मीडिया का क्या हाल था, कोर्ट्स का क्या हाल था। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुने, उनका यह हिस्सा जरूर सुने, और फिर मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए, न्यायपालिका का हाल क्या था, मीडिया का क्या हाल था, शासन का क्या हाल था, मीडिया का क्या हाल था, कोर्ट्स का क्या हाल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया नाम का जो शब्द है ना, उसका इजाद पिछले 6 से 7 सालों में हुआ है। कृपया ये ना भूलें कि इस वक्त मीडिया की क्या हालात है। आज की तारीख में मुख्य धारा का जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो या वो अखबार हो, आपसे कोई सवाल नहीं करता, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल नहीं करता। ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि न्यूज चैनल्स में जो डिबेट्स होते हैं, यहां पर एंकर जो है अमूमन विपक्ष के जो पार्टी का नेता है उससे लड़ रहा होता है, जो आंदोलन कर रहा होता है उसे देशद्रोही, गद्दार और न जाने किन शब्दों से नवाजता है। मेरे जैसा पत्रकार जब सवाल करता है आपकी सरकार से, तो हमें डिजाइनर, पत्रकार, देशद्रोही कहा जाता है। तो मुझे बहुत अटपटी लगी आपकी ये बात कि आपातकाल के अंदर मीडिया की क्या हालत थी। प्रधानमंत्री, बहुत अटपटा लगता है कि आप देश को आपातकाल की याद दिला रहे हैं कि उस वक्त मीडिया और कोर्ट्स की क्या हालत थी। आप मुझे बताइए ना, चाहे रियाना हो या ग्रेटा थनबर्ग है, वो किसानों के मुद्दे में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति है कि किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत तक नहीं है जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर हो, इन तमाम जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि देश में आपातकाल हुआ करता था। आज तो आपातकाल भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है वहां पर। आपकी पुलिस ने देखिए किस तरह से कीले ठोके हुए हैं, जेसीबी की मशीन्स जो हैं सड़कें खोद रही है, और ये देखिए किस तरह के बैरिकेड्स लगाए हुए हैं जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहा है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा लोकतंत्र देश ऐसा करता है? आप कहते हैं कि हमारे अंदर का लोकतंत्र इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। यही वजह है कि मेरे जैसे पत्रकार आज भी सवाल खड़ा करते हैं। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप मेरे जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते हैं? मेरे जैसे पत्रकारों को आपका बिका हुआ प्रचार तंत्र, वो अमित मालपुआ के जो 2-2 रुपए के गुर्गे हैं, वो लोग बदनाम करते हैं, वो लोग टारगेट करते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात के हमें आपातकाल की याद दिलाई जा रही है? पिछले 6-7 सालों में क्या हो रहा है, और पिछले 1 या 2 महीनों में किसान आंदोलन में किस तरह से इंटरनेट को खत्म किया गया, आपकी पुलिस ने उनकी पूरी घेरेबंदी कर दी, ये तो एक काली शर्म है हमारे चेहरे पर। कैसे हम भूल सकते हैं? आपने कहा कोर्ट्स, तो जरा इस चेहरे पर गौर कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रंजन गोगोई। मुझे यह बतलाने की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल के मुताबिक कि चाहे राम मंदिर का फैसला हो, जो कि बहुत बड़ा फैसला था, रफाल का मुद्दा हो, धारा 370 और कश्मीर से जुड़े जो तमाम हेबीस कॉर्पस के मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों में चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के जो फैसले थे, वो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलवा रहे थे। मगर उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह कि यह शख्स चीफ जस्टिस की पद से सेवानिवृत्त होता है और सीधे राज्यसभा पहुंच जाता है। आजाद भारत के इतिहास में मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि इस तरह की मिसालें हमें कब देखने को मिली हैं, कितनी बार देखने को मिली हैं? आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों का प्रशासन हमारे कोर्ट्स का क्या हाल करता है, हमारे कोर्ट्स के फरमान का क्या हाल करता है। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स है मुनव्वर फारूकी, एक कॉमेडियन जिसे इंदौर की पुलिस ने जेल में डाल दिया था। इसका गुनाह क्या था किसी को नहीं मालूम। इस पर आरोप यह था कि इसने अमित शाह का मजाक उड़ाया और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। हालांकि आज तक इस बात को लेकर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। उसके बाद
जस्टिस नारिमन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नारिमन का फैसला आता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इंदौर का जो जेल सुपरिंटेंडेंट है उसने लगभग तैयारी कर दी थी मुनव्वर फारूकी को उत्तर प्रदेश के हवाले करने की, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जांच करे। जबकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मुनव्वर फारूकी को एक मिनट और जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पुलिस ने जितने भी नियम कानून थे सबकी धज्जियां उड़ा दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी मुनव्वर फारूकी को सुपुर्द नहीं किया जा सकता। यह किसी और का फैसला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। प्रधानमंत्री, आज जब आप हमें याद दिलवा रहे थे कि आपातकाल में क्या हालत थी कोर्ट्स की, तो क्या आप अपनी प्रशासन से, अपने राज्य की पुलिस से यह सवाल करेंगे कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन क्यों कर रहे थे? गौर से सुनिएगा, जस्टिस नारिमन को फोन करना पड़ा था इंदौर जेल कि कृपया वेबसाइट चेक कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब जेल सुपरिंटेंडेंट को सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है आपकी सरकार में कि मीडिया नतमस्तक है, मीडिया घिसट रहा है? ऐसा क्यों है आपकी सरकार में कि कोर्ट्स का फरमान जो है उसे नहीं मानते हमारे सरकारें, हमारा प्रशासन? और ऐसा क्यों है कि एक चीफ जस्टिस रिटायर होता है और सीधे राज्यसभा पहुंच जाता है? और क्या यह महज इत्तेफाक है कि उसके जितने भी फैसले थे, या कम से कम 5 या 6 फैसले थे, उसका राजनीतिक फायदा आपकी पार्टी को मिला था? इसलिए जब आप मुझसे यह कहते हैं ना प्रधानमंत्री, या देश की जनता को यह कहते हैं कि आपातकाल में हालात थे, अरे मोदी जी, उस वक्त तो आपातकाल था, पिछले 7 सालों से तो आपातकाल भी नहीं है, मगर मीडिया की क्या हालत है, संस्थाओं की क्या हालत है, अदालतों की क्या हालत है, यह बात आपसे भी कहां छिपी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की भी बात की, उसकी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा, मगर उससे पहले उन्होंने यह बात कही, और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा था कि सिखों के राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं किया जा सकता, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि सिखों के बारे में लोग जो अनाप शनाप बातें कहते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह देश हर सिख पर गर्व करता है, जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं यह ठीक नहीं है। पहले मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री ने जो ये खूबसूरत बात कही वो आप सुने। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल प्रधानमंत्री, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मंच से ये अपील की, मगर मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, फिर ऐसा क्यों है कि आपका प्रचार तंत्र लगातार, आपका भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगातार उन किसानों को खालिस्तानी बता रहा है, उन्हें बदनाम कर रहा है? चलिए मान लिया बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे तो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट में बिक जाते हैं, उनकी कोई औकात नहीं, उन्हें भूल जाता हूं मैं। आपकी अपनी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, आपके अपने नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था आपको याद दिलाऊं मैं? आपके अपने जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान का प्रवेश हो गया है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तथ्यों के आधार पर हम एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, जब यह मामला चीफ जस्टिस बोबडे के सामने था। मुझे बताइए ना मोदी जी, आपकी सरकार ने कहा था या नहीं कहा था? इसलिए जब आप मुझसे ये कहते हैं कि सिखों पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, तो प्रधानमंत्री मुझे आपकी ये बात पूरी तरह से बेमानी लगती है, पूरी तरह से बेमानी लगती है जब आप ये कहते हैं कि सिखों पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। आपकी सरकार हो, आपका प्रचार तंत्र हो, आपके समर्थक हो, वो लगातार किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उन सिखों पे सवाल उठा रहे हैं, और बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है कि कृपया 1993 से पहले जो हालात हैं बीजेपी हमें उसके तरफ न ढकेले, जब इस देश में जो खालिस्तानी आतंकवाद था वो चरम पर था। इसकी चेतावनी में मैंने बार बार अपने शोज में दी है, कृपया ये ना करें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो 3 कानून वापस नहीं लेने वाले हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा कि मैं बुजुर्गों से अपील करता हूं कि बुजुर्ग जो हैं वो वापस चले जाएं, और कोई भूल चूक होगी उसमें तो हम उसमें संशोधन करने को तैयार हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 3 कृषि कानून जो हैं सरकार खत्म नहीं करने वाली है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि किसानों का आंदोलन जो है वो लंबा चलने वाला है। अनलेस
जो पेशकश नरेंद्र तोमर पहले कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को बंद करने को तैयार हैं, उसको अगर मान लिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा क्या, पहले आप सुनिए। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। प्रधानमंत्री, मैं आपसे कुछ और अपील करना चाहता हूं। जब पत्रकार मनदीप पुनिया तिहाड़ जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर कई किसान बंद हैं जिनकी कहानी मैं लिखकर लाया हूं। यही नहीं, इस खबर के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में किसान लापता हैं, उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। प्रधानमंत्री, जब आप किसानों के दर्द की बात करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार इन किसानों के बारे में, खासकर जो लापता किसान हैं, उसके बारे में क्यों कुछ नहीं कह रही। उनके परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। उन किसानों की बात लिखने को देशद्रोह मान लिया जाता है। किसान नवरीत सिंह, उसका परिवार क्या कह रहा है? उसका परिवार ये कह रहा है कि जो पुलिस ये कह रही है कि उसका ट्रैक्टर पलट गया और उससे उसकी मौत हुई, वो सरासर झूठ है। परिवार का ये दावा है, और उसने कैरवान से लेके वायर को इंटरव्यू में कहा है कि नहीं, उसे गोली लगी थी। अब परिवार की ये बात कहने पर वायर के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। शशि थरूर, पत्रकार मृणाल पांडे और राजदीप सरदेसाई पर मुकदमा कर दिया गया, और वो भी राजद्रोह का। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब आप किसानों की बात करते हैं तो किसानों की बात, उनके मुद्दे उठाना गुनाह कैसे हो गया है? मोदी जी, मुझे बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। और चूंकि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं तो आप बंगाल को भी नहीं भूल सकते थे, नेताजी को भी नहीं भूल सकते थे। आपने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जो माहौल चल रहा है उसमें नेताजी का अपमान है। पहले प्रधानमंत्री ने कहा क्या, वो आप सुनिए। आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और संयोग है कि 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया, और उसका परिणाम है कि आज हम ही हमको कोसने लग गए। प्रधानमंत्री, मैं आपको बात बता दूं, नेताजी की शख्सियत के बारे में, नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, उसके खिलाफ बगावत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरह से आरएसएस ने घुटने टेक दिए थे, और एक लंबे अरसे तक इन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था, और जो लोग तिरंगा फहराने गए थे उन पर कोर्ट केस कर दिया था। नेताजी की शख्सियत बिल्कुल अलग थी। उनकी आजाद हिंद फौज में सिख भी था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था। वो निहायत ही सेक्युलर आदमी थे। इसलिए जब आप नेताजी की बात कर रहे हैं तो नेताजी के उसूलों का अपमान तो पिछले 6 सालों में हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री आप इस बात से बच सकते हैं? मुझे बताइए ना, क्या यह बात सच नहीं है कि जिन मुद्दों पर, जिन तथ्यों की बात नेताजी ने अपनी जिंदगी में की, उन तमाम चीजों पर, उन तमाम चीजों को दरकिनार आपकी पॉलिटिकल पार्टी पिछले 6 सालों से कर रही है। फिर जब आप नेताजी की बात करने हैं तो मुझे बहुत बेईमानी लगती है। आपने यह भी कहा कि इस देश में गर्व करने में क्या जाता है, हम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। विरोध करने के कई मुद्दे हैं, अगर हर बात का मुद्दा, हर मुद्दे का विरोध करने से मनोबल गिरता है। पहले प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर इस बात पर गौर कीजिए। विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने किया है, गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस बात को किया है। उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई है बूढ़ी मां, वो भी घर के बाहर अपनी झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना करती है।
हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं, उसकी भी मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है। विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं जी, और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री, जब एक गरीब महिला अपने झोपड़े के बाहर दिया जलाती है, लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे, मगर देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हें एक मिसाल साबित होना चाहिए। वो जब ताली बजाओ थाली बजाओ दिया जलाओ की बात करते हैं, वो बात ठीक है, उसके मायनों को मैं समझ सकता हूं, हालांकि बाद में क्या हुआ वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं, देश का अपमान तब नहीं होता है जब हम एक बुजुर्ग महिला के दिया जलाने पर सवाल खड़ा करते हैं। नहीं प्रधानमंत्री, जब आप लॉकडाउन का फैसला कर देते हैं और 4 घंटे का वक्त भी नहीं देते हैं गरीब को, वो गरीब सड़क पर निकल जाता है, जैसा कि ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही हैं, 100-150 से ऊपर गरीब मर जाता है, एक लड़की अपने पिता को गुड़गांव से बिहार ले जाती है साइकिल पर बिठाकर, ठीक है, वो तस्वीर थी देश के सामने। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी सरकार ने सलीके से प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए लॉकडाउन को लेके सरकार का जो रवैया था उसको लेके कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, उस पर हम सवाल कर रहे हैं, जो कि इस सरकार के अंतर्गत हर पत्रकार को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए, मगर वो होता नहीं है। प्रधानमंत्री कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है। आपने ये भी कहा कि इस देश को आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए। आपने यह भी कहा कि FDI की जगह एक नया FDI आ गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह एक नया FDI आ गया है, जिसे फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी कहते हैं, और इससे बचने की जरूरत है। आपने यह भी कहा कि आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री ने कहा क्या, वो आप सुनिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना है जी, FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया FDI नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा, और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अन्ना आंदोलन रहस्यमय तरीके से दिल्ली में आ जाता है, मेरे जैसे पत्रकार भी उसके समर्थन में थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस देश में जो भ्रष्टाचार का कैंसर है, उसका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। मगर प्रधानमंत्री, आप भी जानते हैं उस आंदोलन के पीछे कौन था। उस आंदोलन के पीछे विवेकानंद फाउंडेशन था, जिसे कौन चला रहा था, यह शख्स जो कि देश के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल। उस आंदोलन के पीछे RSS की शक्ति भी थी। उस वक्त तो आंदोलन करना गुनाह नहीं था, अब आंदोलन करना गुनाह हो गया। अब आप आंदोलन जीवियों को गाली दे रहे हैं जो हर मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं प्रधानमंत्री, अगर आपको लगता है वही चेहरे हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, क्योंकि हर आंदोलन के पीछे जो भावना होती है उसे आपको समझना पड़ेगा। हर आंदोलन के पीछे की भावना होती है इंसाफ की मांग, हर आंदोलन के पीछे की भावना होती है लोकतांत्रिक मूल्य बहाल रहे, हर आंदोलन के पीछे जो सोच होती है वो ये होती है कि इस देश का जो कमजोर तबका है उसे और न दबाया जाए। सरकार और ऐसे कमजोर तबकों के बीच में बराबरी नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी नहीं हो सकती है, तटस्थता नहीं हो सकती है प्रधानमंत्री। इसलिए जब आप कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी आ गए हैं, माफ कीजिएगा, इस लिहाज से तो अन्ना आंदोलन भी एक कैंसर था। इस लिहाज से इन तस्वीरों को देखिए, BJP साल 2012 में चक्का जाम कर रही थी, 2011 में चक्का जाम कर रही थी, 2014 में चक्का जाम कर रही थी, तो ये कौन से आंदोलन जीवी थे प्रधानमंत्री?
अगर उस वक्त चक्का जाम करना, आंदोलन करना देशद्रोह नहीं था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अब आप उसे फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी जैसे शब्दों से क्यों नवाज रहे हैं? आप मुंह नहीं मोड़ सकते प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं जानता हूं कि विदेशों में आपकी छवि क्या हो इस बात को लेकर आप बहुत सेंसिटिव हैं। इसलिए जब रियाना, ग्रेटा थनबर्ग या अमेरिकी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, तो आपको सचेत रहना चाहिए। उसको लेकर आप जो सेलिब्रिटीज हैं उनको लाइन से नहीं लगा सकते हैं उनका जवाब देने के लिए। आपको सकारात्मक तरीके से उसे संबोधित करना होगा। यह आंदोलन जीवी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, इन सब मुद्दों को उठाने से कुछ नहीं होने वाला है प्रधानमंत्री। आपको मुद्दे पर रहना पड़ेगा, हकीकत यह है। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, हम न्यूज क्लिक पर प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में दिए गए भाषण की आलोचना और उस पर तथ्यात्मक आलोचना तो कर रहे हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मुख्य धारा का मीडिया, न्यूज चैनल्स ये सब नहीं दिखाने वाला। इसलिए आप जो कि इस देश के नागरिक हैं, बहुत जरूरी है कि न्यूज क्लिक जैसे मंचों को मजबूत कीजिए। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।